Okay, guys. Okay, let's start with the review of that topic, bills of material. अब उसको नए प्रोडक्ट के एग्जांपल के साथ कैसे लेके चलें? अब इसका प्रोसेस आप ध्यान में रखेंगे. प्रोसेस ध्यान में रखना है आपने. हमने कहां से इसको स्टार्ट लिया था? इन्वेंटरी इन्फो, स्टॉक आइटम्स. इन्वेंटरी इन्फो, स्टॉक आइटम्स, देन क्रिएट. कोई सा भी आप ले लें. जैसे पहले मैंने कंप्यूटर लिया था. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लैपटॉप, मोबाइल फोन. ओके, दिस टाइम आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन. यूनिट इन पीसेस, यूनिट इन पीसेस एंड शेप. मोबाइल फोन को आपने बिल्स ऑफ मटेरियल के साथ कंफिगर करना है और इसका रॉ मटेरियल भी लेना है. रॉ मटेरियल के लिए आई एम जस्ट स्क्रीन पीसेस एंड मेमोरी कार्ड पीसेस, बैटरी पीसेस, कवर पीसेस, ओके. तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको जोन से भी इसके मैन्युफैक्चरिंग हेल्पिंग टूल्स, अगर कोई आइटम इसमें ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं. अब आते हैं मेन पॉइंट पे. ऑल्टर पे जाना है या अगर आप बाद में बना रहे हैं मोबाइल फोन तो आप उसको क्रिएट के टाइम पे भी ले सकते हैं. मोबाइल फोन दिया जैसे. अब यहाँ पे आपने इस फीचर को यस करना है BOM को और सेव कर देना है. नेम ऑफ BOM में जैसे लिया मैंने मोबाइल फोन. यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर वन. अब वन बाय वन सबको दे देते हैं. कवर वन और इधर से मेमोरी कार्ड वन और इधर से मोबाइल बॉडी वन. Buttons left, screen one, battery one. Okay, चलिए अब इसको सेव कर लेते हैं. रॉ मटेरियल बनाने के बाद इस रॉ मटेरियल को हमने परचेज करना है. इन्वेंट्री वाउचर्स F9. बिल नंबर इज, पार्टी नेम इज, ABC मैन्युफैक्चरर से ले लेते हैं, कोई बात नहीं, हमें नया नहीं बनाना पड़ेगा. और वन बाय वन सारा मटेरियल ले लेते हैं. सपोज मैंने इस बार 4 पीसेस लिए और इधर से कवर 4 पीसेस, इधर से मेमोरी कार्ड 4 पीसेस. मोबाइल बॉडी, आई थिंक ये मोबाइल बॉडी उसमें मिस हो गया रॉ मटेरियल में. चेक कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में दिखा देगा आपको. एंड स्क्रीन 4 पीसेस. अब इसको सेव करते हैं और फिर अपना वाउचर टाइप मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्फ़िगर कर लेते हैं. अकाउंट्स इन्फो या इन्वेंटरी इन्फो किसी में भी जाएंगे, वाउचर टाइप पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के नाम से. मैन्युफैक्चरिंग तो आपको वही वाला भी ले सकते हैं, आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा. इन्वेंटरी वाउचर्स, प्रेस ऑल्ट F7 एंड सिलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जर्नल. ओके, आपको नया नहीं बनाना. नेम ऑफ प्रोडक्ट में जस्ट आप उठाएं मोबाइल फोन और क्वांटिटी कितनी, गोडाउन तो हरियाणा ही है, क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है 2.
बस उठा रहा है ये ऑटोमेटिकली रेट, और ये टोटल हमें पड़ा है 3400 की प्रोडक्शन की कॉस्ट पड़ेगी 2 पीसेस की, और जो पर पीस है वो 1700 का पड़ेगा। सस्ता पड़ रहा है फोन ये वाला, एंड्रॉइड नहीं होगा ना इसलिए। तो इसमें एडिशनल कॉस्ट आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लेबर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उसकी बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह से आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने बिल्स ऑफ मटेरियल को भी करना सीखा कि एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टैली में कैसे निकालते हैं। इसका आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब में। और हाँ स्टूडेंट्स, आप ना लिंक पे क्लिक किया करो, तो वहां से हमें ये भी पता रहता है ना कितने स्टूडेंट्स ने इसको देख लिया है। गूगल क्लासरूम में तो सब उठा के ओके मैम करके प्रेजेंट लगा देते हैं। वो प्रेजेंट वो तो होती है, चलो फिर वो लेक्चर देखने की प्रेजेंट होती है ना, जो ये वाला लेक्चर है। अब हमने गूगल क्लासरूम में लिंक शेयर कर दिया, अभी लिंक मैंने डाला ही होता है, अटेंडेंस सबकी आ जाती है। लिंक पे ना क्लिक भी करना होता है, ठीक है? तो आप लोग उस पर क्लिक किया करो, हमें पता रहे कि आप उनको वीडियोस को देख रहे हैं। तो इसमें ये कोई मैं बेनिफिशियल पर्पज के लिए नहीं कह रही हूँ, हमारा कोई ये मोनिटाइज नहीं है। ओके, हम सिर्फ ये है, हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं और हमारा पढ़ाया हुआ वो देख रहे हैं, दैट्स इट। बाकी आप अपनी क्वेरीज, सजेशंस और अपने व्यूज दे सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी, गूगल क्लासरूम में भी, और जब आपकी जूम क्लास लगती है यहाँ पे भी आप मैसेज टाइप करके अपने रिव्यूज दे सकते हैं। थैंक यू।